Everyone, this is Madhu. I am here again with a new video. So in this video we are going to learn how to write leave letter when we are going to attend any relative, brother, sister or cousin's marriage. We all have families and sometime we go to attend relatives' marriages. So that time how to write a leave letter for the class teacher. So let's start the video. So सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऊपर फर्स्ट लाइन जो होती है यहाँ पे मार्जिन पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे एक साइड में डेट डालना है। ये जो है फर्स्ट लाइन से नहीं स्टार्ट करना है, ये हम सेकंड लाइन से, जो ऊपर पहली लाइन होगी इस लाइन पे यहाँ पे डेट डालना है। जो भी डेट आप लिख रहे हो लीव लेटर जिस डेट पे, वो डेट डालनी है और फिर वो ऊपर की लाइन छोड़ के हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। फिर हम डालेंगे फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट नेम, जैसे आप अपना नाम लिखोगे जिसको लेटर लेना है, मीन्स छुट्टी लेनी है, लीव लेनी है, वो बच्चा अपना नाम लिखेगा, वो बच्चा अपना क्लास एंड सेक्शन, वो बच्चा जो है अपना जिस क्लास में पढ़ता है और जिस सेक्शन में पढ़ता है वो लिखेगा, स्कूल नेम कौन से स्कूल में पढ़ता है और प्लेस वो स्कूल कहाँ है, उसके लोकेशन मीन्स अपने सिटी का नेम जो डालना है। टू किसको लिखना है, अब यहाँ से जो है हम लीव लेटर शुरू कर रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल कौन सी स्कूल की है उनका नेम लिखना है, द प्रिंसिपल स्कूल नेम, उस स्कूल का नेम लिखना है जिस स्कूल का प्रिंसिपल है, और प्लेस उस सिटी या टाउन का नेम लिखना है जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है। तो सब्जेक्ट उसके नीचे देखिए यहाँ पे ये जो है ये तीनों हम देखिए एक लाइन में डाल रहे हैं, इधर उधर नहीं रहेंगे, एक यहाँ पे शुरू हो एक यहाँ पे शुरू हो, ये मार्जिन का भी बराबर ध्यान रखना है। ये सारे जो है फ्रॉम टू सब्जेक्ट ये सब सब एक ही लाइन में हो, और देखिए ये सारे ऐसे एक ही लाइन में होने चाहिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब होता है जो टॉपिक, किस टॉपिक पे हम जो है ये लेटर हमने लिखा है वो टॉपिक डालना होता है। तो सब्जेक्ट में लीव रिक्वेस्ट टू अटेंड ब्रदर्स, जैसे भाई है तो आप लिख सकते हो भाई, सिस्टर्स है तो सिस्टर लिखोगे, कजिन के मैरिज में जा रहे हैं तो आप कजिन्स मैरिज इस तरह से लिखोगे। तो तीनों नहीं लिखना है, अगर जो जिस मैरिज को आप अटेंड करने जा रहे हो वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं तो उस रिलेशन का नाम लिखना है। तो देखिए इस तरह से लीव रिक्वेस्ट टू अटेंड ब्रदर्स सिस्टर्स कजिन्स मैरिज। तो चलिए अभी तो वीडियो यहाँ पे आएगा नहीं, आगे का मैटर हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से लिख के शुरू करते हैं। चलिए देखिए आगे जो है हम कैसे मैटर कैसे लिखेंगे उसके लिए, तो रेस्पेक्टेड सर मैम, अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं तो आप सर लिखोगे, अगर मैम है तो मैम लिखोगे। तो रेस्पेक्टेड सर मैम, एज आई हैव टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज, अब यही ब्रदर्स मैरिज मैंने जैसे पहले आपको बताया है, आप कजिन है तो कजिन लिखोगे, सिस्टर है तो सिस्टर, ब्रदर है तो ब्रदर, तो अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज, सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 days फ्रॉम, अब यहाँ पे जो है आप डेट लिखोगे, आप कौन सी डेट, पहली डेट, जैसे मान लीजिए आप 3, 4, 5 तीन दिन नहीं अटेंड करोगे तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 जो डेट लिखोगे, मंथ लिखोगे, ईयर लिखोगे, और यहाँ से 2, 5 लिखोगे, 4 नहीं लिखोगे, 3 और उसके बाद लास्ट वाली डेट 5, जो आपकी लास्ट जो है छुट्टी वाला दिन होगा उसका डेट, तो दोनों पहला दिन और आखिरी वाला दिन इस तरह से। अगर आपको 5 दिन का लिखना है तो आप यहाँ पे 5 days कर सकते हो, जितने दिन की छुट्टी चाहिए यहाँ पे उतने दिन मेंशन करोगे और यहाँ पे छुट्टी का पहला दिन और आखिरी दिन मेंशन होगा। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, तो उसके बाद आप लिखोगे तो मुझे इतने दिन की छुट्टी दीजिए, 3 days, जैसे आपको पहले ही बताया है जितने दिन की छुट्टी चाहिए आप ये मैटर उतने दिन का लिखोगे। थैंकिंग यू, लास्ट में हम लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, आपका नेम, नेम में आपका नेम होगा और क्लास में आपकी क्लास, आपका सेक्शन होगा। तो होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, इफ द वीडियो इज इंफॉर्मेटिव प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।